अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी में आए दिन मरीजों और परिजनों के साथ हो रही मारपीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। काफी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष सुमीर सिंह ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाएं पूर्णतः लाचार हैं। भाजपा सरकार के मंत्री सांसद मुकद्दिर होकर बैठे हुए, जिले की गरीब जनमानस बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं इलाज के लिए दर दर भटक रही है, जबकि हमारे रीवा में संजय गांधी अस्पताल सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद मरीजों का इलाज ना करके गुंडागर्दी और लूट का अड्डा बनता जा रहा है। जिस तरह लगातार अस्पताल के अंदर डॉक्टरों के द्वारा और उनके इशारों पर उनके स्टाफ सुरक्षा कर्मी के द्वारा मरीजों और परिजनों के साथ मारपीट की जा रही है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मांग की है कि भ्रष्ट डॉक्टर अलक प्रकाश के ऊपर कार्यवाही की जाए और उनको सीएमओ जैसे महत्वपूर्ण पद से हटाया जाए, क्योंकि वह पद पर बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से भ्रष्ट है, मेडिकल के नाम पर रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर सीएमओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो एनएसयूआई सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा और सीएमओ कार्यालय का घेराव करेगा। आइए सुनाते पत्रकार वार्ता के दौरान और क्या कहा है। देखिए भैया, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि रीवा जिले में विंध्य के लिए गौरव की बात है, इतनी बड़ी अस्पताल संजय गांधी हमारे रीवा जिले में है, जहाँ से पूरे विंध्य प्रदेश, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, दूर दूर से लोग आते हैं इलाज कराने। और रीवा जिले का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सत्ताधारी पार्टी के जहाँ 8 विधायक और 1 सांसद मौजूद हो, उसके बाद भी इतनी बड़ी अस्पताल की व्यवस्था में आज ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल अस्पताल प्रबंधन के ऊपर तो उठता ही है, साथ में इन जनप्रतिनिधियों के भी ऊपर उठता है, जो आज 15 सालों 17 सालों से भाजपा की सरकार है, उनके यहाँ के मौजूदा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, इसके बाद वर्तमान में पावरफुल विधायक है, जो कहते हैं कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ है उनका विकास का मॉडल? रीवा संजय गांधी अस्पताल की स्थिति आप जाके खुद देखिए, वहां पे आप चाहे साफ सफाई देखिए, चाहे डॉक्टरों का व्यवहार देखिए, एक हम आप ठीक है, एक नॉर्मल घर का अगर व्यक्ति गया है, उसको जानकारी नहीं है, तो वो अगर अपने पेशेंट के लिए ये बोलने चला जाए कि डॉक्टर ये बॉटल निकाल दीजिए, इनको लेके जाना है, तो वहां पे डॉक्टर ढंग के तरीके से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि ब्लड बैंक जब इतने लोग, इतने समाज सेवी संगठन, जहाँ तक कि प्रशासन स्वयं ब्लड डोनेशन कर रहा है, उसके बाद भी किसी को ब्लड क्यों नहीं मिलता है? मैं खुद कम से कम 100 लोगों को लेके संजय गांधी गया हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को अगर एक्सचेंज करने के लिए उसके पास ब्लड नहीं है, खुद डोनेट करने के लिए उसके पास ब्लड नहीं है, तो उसकी अस्पताल प्रबंधन मदद करे, उसको ब्लड दे। बाहर आप देखेंगे, देखने के लिए जैसे आप हॉस्पिटल में एंट्री करेंगे, विंध्या ब्लड बैंक का एक काउंटर बना हुआ है, उस काउंटर में आप कभी ब्लड के लिए चले जाइए, आपको ब्लड नहीं मिलेगा। देश के चौथे स्तंभ, आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सब यहां पधारे और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारी आपसे चर्चा करेंगे। विंध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल संजय गांधी, आए दिन मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट होती है, कहीं खून की वजह से होती है कि खून उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो कहीं जांच को लेके होती है। सबसे अभी करीब 15 दिवस पहले 2 वीडियो वायरल हुए हैं संजय गांधी अस्पताल के, जिसपे मरीज के परिजनों को बंधक बनाकर मारा जा रहा है, और यह घटना सीएमओ ऑफिस के अंदर हुई है, बंधक बनाकर सीएमओ डॉक्टर अलक प्रकाश के सामने हुई है, उनके इशारों पर कुछ वर्दीधारी सिक्योरिटी गार्ड और कुछ बिना वर्दी के उनके पाले हुए गुंडे बंधक बनाकर मरीज के परिजनों से तालिबानी तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिए हैं। आखिर यह संजय गांधी में चल क्या रहा है, और सिर्फ खून को लेके आए दिनों, और डॉक्टर अलक प्रकाश जो कि
पिछले सत्र जुलाई में लोकायुक्त ने उनको रिश्वत लेते रंगे हाथ 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार डॉक्टर को सीएमओ जैसे पद में बैठाया गया है, क्या वे सीएमओ जैसे पद में बैठने के लायक हैं? जिस तरह से परिजनों के साथ वो मारपीट करवाते हैं, हॉस्पिटल गार्ड को सौंप के रखे हैं, बिना वर्दी के कुछ गुंडे पाल के रखे हैं, कोरक्सियों को जो उनके इशारों पर मरीज के परिजनों से मरीजों के साथ हाथापाई करते हैं, अभी तो मात्र दो तीन वीडियो ऐसे उपलब्ध हुए जिसमें ये पता नहीं ऐसे कितनी मारपीटें होती रहती हैं। और पुलिस भी सिर्फ अधिकारियों के इशारों पर चलती है, न तो किसी गरीब परिजन मजदूर की कोई सुनवाई करती, जैसा डॉक्टर और अधिकारी कहते हैं उन्हीं के अनुसार चल के कार्रवाई करती है। अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई सीएमओ डॉक्टर आलोक प्रकाश के ऊपर? 2 दिन का समय दे रहे हैं, अगर डॉक्टर आलोक प्रकाश को सीएमओ पद से नहीं हटाया गया तो एनएसयूआई इसको उग्र आंदोलन करेगी, सड़क पर उतर कर सीएमओ कार्यालय का घेराव करके तालाबंदी तक करेगी। और इस बात को लेके हम यहाँ से भोपाल तक चिकित्सक स्वास्थ्य मंत्री तक के पास जाएंगे अपने प्रदेश नेतृत्व को लेके, उनसे पूछेंगे कि जिस डॉक्टर के खिलाफ लोकायुक्त ने 10,000 रिश्वत लेने की कार्रवाई की हो, उसको सीएमओ जैसे दायित्व पद में कैसे बैठाया गया है, क्या वजह है?